नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। अलीगढ़ का इगलास कस्बा निवासी बैंड संचालक की बीती रात रात्रि गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह सब्जी मंडी के पीछे शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर परिजन और पुलिस भी पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि रंजिश के चलते गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। समर में रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे और सिर पर भी गंभीर चोटें आई थी। युवक के शव मिलने की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची गुन्नौर कोतवाली पुलिस और जीआरपी पुलिस ने मौके पर मौजूदा लोगों ने शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बाराबंकी में खेत पर फसल की रखवाली कर रहे अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावर ने लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चुनावी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। लोनीकटवा थाना क्षेत्र के बालाखेड़ा गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। मथुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। इस दौरान युवाओं में टीका लगवाने की उत्सुकता दिखाई दी। वहीं रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से कुछ लोग बिना टीका लगवाए ही लौट गए। इस बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर विपिन कुमार द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राया पर आज से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को भी कोविड का टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही युवाओं को यहाँ टीका लग जाएगा। बाराबंकी के जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कोविड अस्पताल बनाया गया है। जिला अस्पताल में कोविड अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। आम जन को बड़ी सहूलियत इससे मिलेगी। 300 बेड से इसकी शुरुआत हुई है। भर्ती होने वाले मरीजों को L2 और L3 जैसी सुविधाएं मिलेगी। जल्द ही इस अस्पताल को 100 बेड तक भी किया जाएगा। यूपी की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।